हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विद वन मोर वीडियो ऑफ टाटा नेक्सॉन BS6। और जो सबसे अच्छी बात है, इस नेक्सॉन के अंदर जो मैं किट लगाया हूँ, दिस इज़ लवेटो COVD2। आई जस्ट गिव अ स्मॉल वर्क अराउंड। देखो, किट कोई भी हो, मैं कहता हूँ मोटोजेन हो या लवेटो COVD2, इट हार्डली मैटर्स। वॉट मैटर्स इन नेक्सॉन इज डायनेमिक एडवांसर। वॉट मैटर्स इन नेक्सॉन इज विदाउट पुटिंग एनी होल इन द मैनिफोल्ड। बिना होल की इंजन में गैस इनलेट, वहीं से जहां से पेट्रोल, मज़ा तब है। किट कोई भी हो, मेरे पास बहुत कस्टमर आते हैं लवेटो COVD2 लगवा के, और जिनमें डायनेमिक एडवांसर और ये बिना होल की इंजन में गैस इनलेट नहीं होता है नेक्सॉन के अंदर, वो परेशान रहते हैं। मैं उनकी गाड़ी सही करके देता हूँ। एक इसके अंदर मैंने कपलर टू कपलर वायरिंग भी किया, जिसमें इंजेक्टर्स के कोई वायर कट नहीं है, सारा सॉकेट टू सॉकेट है। दिस इज़ लवेटो COVD2। The quality is ultimate. This is Lovato COVD2। ये फिलिंग बाल्ब है, यहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है। ये आपका रिड्यूसर है, BS6 के अंदर सिंगल स्टेज रिड्यूसर पास है, और पास उसके बगल में ये मैप सेंसर बेस्ड फिल्टर जो केवल लवेटो COVD2 में आता है। दिस इज़ द क्वालिटी। इसके अंदर मैंने कूलेंट कनेक्शन किया। देखो, नेक्सॉन के अंदर जो मेरा क्वालिटी है वो सभी नेक्सॉन में वही देता हूँ मैं। दिस इज़ द कूलेंट कनेक्शन। आपका एक पाइप यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और दूसरा पाइप ये नीचे से आ रहा है, ये नीचे से, ये दोनों पाइप आपके रिड्यूसर पे आ रहा है। दिस इज़ द क्वालिटी। और एक चीज़ और जो मेन काम करता हूँ मैं, वायरिंग आपके ECM से और डायनेमिक एडवांसर से, ये जो वायरिंग जा रहा है सारा स्पायरल ट्यूबिंग में जा रहा है। पूरे लाइफ जब तक गाड़ी है, इस वायरिंग को कुछ नहीं होगा। दिस इज़ द क्वालिटी। अगर नेक्सॉन को कामयाब करना है भाई, मैं सबको कहता हूँ, नेक्सॉन के अंदर केवल किट लगाने से नेक्सॉन कामयाब नहीं होता। नेक्सॉन के अंदर चाहिए डायनेमिक एडवांसर। नेक्सॉन को जो गैस इनलेट है वो प्रॉपर जगह पे चाहिए। और जो इसके अंदर जो हम आपका निप्पल का जो MM करते हैं, देखो लवेटो COVD2 में तो 2.0 का जो है MM है, और अगर हम मोटोजेन की किट लगाते हैं तो उसमें 2.2 mm डालते हैं। सॉलिड इंजेक्टर आपका फाइनली प्रॉपर प्लेस्ड है, और पूरी गैस जो है प्रॉपर फिटिंग, मतलब एक अल्टीमेट फिटिंग इसको कहेंगे नेक्सॉन के अंदर। जस्ट सी द फिटिंग, मैं बार बार कहता हूँ, एक बार फिटिंग देखो यार। इट इज़ लवेटो COVD2। दिस इज़ द ECM। ये आपका फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है। ये आपका सिंगल स्टेज रिड्यूसर है, ये आपका मैप सेंसर बेस फिल्टर है, और ये इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है। इंजेक्टर इसके अंदर 2.0 mm का रखना है निप्पल में, और ये आपका जो है डायनेमिक एडवांसर है। दिस ये जान है। और जो मेन काम किया हूँ इसके अंदर, बिना होल किए इंजन में गैस इनलेट, ये रबड़ पाइप आ रहा, क्लैम्प है बिल्कुल, ये स्टील का डिवाइस है, और ये साथ में कपलर टू कपलर, तीनों सॉकेट तीनों इंजेक्टर्स में, और कूलेंट कनेक्शन करके दिया हमने। क्वालिटी है, और सारी वायरिंग स्पाइरल ट्यूबिंग है, सारी वायरिंग, ये क्वालिटी है जी। जान लगा देते हैं भाई, गाड़ी चाहिए A1 जी जान, मज़ा आ जाएगा भाई को गाड़ी चला के। इसके अंदर एक और काम किया हूँ, NGV वाल मेड इन जर्मनी, जो मारुति में कंपनी फिटेड में आता है, आइए दिखाता हूँ। दिस इज़ द NGV वाल। ये नॉर्मल चाइनीज़ वाल नहीं है जो मैक्सिमम लगते हैं मार्केट के अंदर, ये आपका मेड इन जर्मनी जो मारुति में कंपनी फिटेड में आता है। दिस इज द सेम वाल्व। ठीक है, अब इसका बूट एक बार दिखाता हूं मैं आपको। दिस इज टाटा नेक्सॉन। जो सिलेंडर लगाया हमने इसके अंदर, 12 kg का सिलेंडर लगाया विथ रबर ग्रिप मोल्डेड पाइप स्टैंड। सीधा स्पेस पूरा, देखो मैं कहता हूँ 14 kg मत लगवाओ, आधी किलो ज़्यादा गैस आएगी। इसके अंदर पूरा स्पेस निकल कर आया, पूरा जस्ट सीधा स्पेस, पूरा स्पेस, मोर देन 60% ऑफ द स्पेस इज देयर। और जो स्टैंड है, मोल्डेड पाइप स्टैंड है,
जो मेरा क्वालिटी है सभी गाड़ियों में सेम वही क्वालिटी है। जो मोल्ड आपका TVS नैलो लॉक नट बोल्ट है, ये सब डब्बे में नहीं आता, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ। और ये आपका डक्टिंग, कभी एक्सेस गैस आए तो डक्ट से गाड़ी के बाहर हो। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ कार एनर्जी। अब चलते हैं, एक बार ट्रायल लेते हैं और कस्टमर से रिव्यू लेके देता हूँ कि ये गाड़ी की फिटिंग और गाड़ी कैसी चल रही है। आइए, सो दिस इज़ टाटा नेक्सॉन BS6 एंड द किट इंस्टॉल्ड इज लवेटो COPD2। मज़ा आ गया भाई, और जो इस गाड़ी के अंदर लगना चाहिए वो सब कुछ लगा के दिया है, जो किट में नहीं आता, जैसे डायनेमिक एडवांसर हो गया, बिना होल की इंजन में गैस इनलेट हो गया, एक साइड फिलिंग वाल्व भी लगा दिया मेड इन जर्मनी, जो मारुति में जो कंपनी फिटेड में आता है, सब कुछ लगा के दिया जो मेरा क्वालिटी है। एक बार भैया से पूछते हैं फिटिंग कैसी रही और गाड़ी कैसी चल रही है। भैया फिटिंग तो मैंने अपने आँखों के सामने लगवाई है, तो फिटिंग तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और एक बोलते हैं ना फिनिशिंग काम में, हाँ वो मुझे प्रॉपर दिखा, और सबसे अच्छी बात है कि वो साइड वाला फीलिंग भी है, तो मैं इजीली मुझे बोनेट अप नहीं करना पड़ेगा, हैवी बोनेट है, नेक्सॉन है, बिल्कुल ठीक है, तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा है। और इफ़ आई टॉक अबाउट द लाइक पिकअप और रनिंग, ठीक है, मुझे कुछ 19-20 जैसे बोलते हैं वो भी फर्क नहीं लग रहा, सेम चल रहा है, जैसे पेट्रोल में मुझे एक्सपीरियंस है वैसे ही। अगर किसी को पता ना हो, आप चाबी दे दो गाड़ी चलाए, वो बता नहीं सकता, बिल्कुल एग्जैक्टली, जब तक आप उसको नहीं। और ये एक्सपीरियंस मैं कुछ लोगों से अपने रिलेटिव्स वगैरह से चेक करूंगा, कि नहीं मैं ऐसे बोलूंगा कि आप चलाओ, बट लेट्स सी उनका क्या एक्सपीरियंस रहेगा, बट मेरे लिए तो ठीक है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और अल्टीमेट स्पोर्ट्स वगैरह मोड पर सब चेक कर लिया मैंने, मतलब एवरी गियर एवरी स्पीड में कहीं भी गाड़ी जो है मिसबिहेव नहीं कर रही है, बिल्कुल, जैसे हम गाड़ी उठा रहे हैं फर्स्ट गियर में, बिना जर्क, बिना लैग, बिना मतलब वाइब्रेशन गाड़ी उठ रही है जैसे पेट्रोल पे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। चलो, यू आर सैटिस्फाइड? यस, आई एम कंप्लीटली सैटिस्फाइड। सो दिस इज टाटा नेक्सॉन, मज़ा आ गया भाई किट लगा के, रियली। आप मोटरसाइकिल लगाओ या लवेटो COPD2 लगाओ, दोनों किट अच्छी है, लेकिन मेन चीज़ मायने रखने वाली जो बात है वो है एक्स्ट्रा एक्सेसरीज, जैसे डायनेमिक एडवांसर अगर नहीं लगाता तो बीए को नहीं मजा आता, या बिना होल की इंजन में गैस इनलेट, या साइड फिलिंग वाल NGV वाल, या कपलर टू कपलर वायरिंग, ये सब चीज़ें ज़रूरी है, स्टैंड की क्वालिटी, ये सब चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। चलो, इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए तो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू, और जितने मेरे पुराने भाई हैं एक लाइक तो ज़रूर बनता है। थैंक यू।